नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने शो करंट अफेयर में। दिन की शुरुआत करेंगे करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के साथ। और आज का क्वेश्चन है, किस बैंक ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण को मंजूरी दी है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF। वैसे ADB, वर्ल्ड बैंक और IMF के विषय में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड डेटा आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो आज अपन लोग डिस्कस भी करेंगे इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड डेटा आज की ही करंट अफेयर में। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि जो करंट अफेयर का जो फॉर्मेट है, मैंने फिर से पुराने फॉर्मेट में ही रख रखा है। और मेरी एक तरीके से सुझाव भी आप लोगों को कि अगर आप लोग वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक रेलवे एग्ज़ाम की, SSC एग्ज़ाम की, जो है डिफेंस एग्ज़ाम की, तो आप लोग इसमें से जो बहुत सारा डेटा हम डिस्कस करते हैं उसको आप कंज्यूम मत कीजिए। मतलब उन डेटा को रटिए मत, सिर्फ उतना ही डेटा आप याद रखिए जिससे जो MCQ या वन लाइनर डिस्कस किए जाते हैं मॉर्निंग की क्लास में, वही डेटा सिर्फ आपको याद रहे। क्योंकि इससे ज़्यादा इन डेप्थ जो डिटेल होती है वो आपको UPSC के लिए चाहिए होती है, और डिटेल चाहिए होता है, क्योंकि उसके जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो थोड़े से अच्छे क्वालिटी के दिए जाते हैं। तो जो हम यहाँ पे करंट अफेयर डिस्कस करते हैं वो इस तरीके से डिस्कस करते हैं कि ये कहानी सुनने के बाद आपको जो डेटा है, जो MCQ है, वो आपको याद रह जाए, वन लाइनर आपको याद रह जाए। क्योंकि यही वन लाइनर्स आपके एग्ज़ाम में आने हैं, इनके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं आएगा। क्योंकि डेली बेसिस पे 10-15 क्वेश्चन पढ़ने का मतलब है कि साल के अंत तक, 6 महीने के अंत तक आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन का भंडार हो जाएगा। सो अगर करंट अफेयर पे की गई मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही हो तो नीचे लाइक का बटन दबा के जो है प्रोत्साहन बढ़ाइए। और कोई नया स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। दिन के विचार की बात करेंगे, स्टूडेंट लाइफ इज़ द सीड ऑफ योर लाइफ, और प्लांट इट वाइजली, बेसिकली ये कोट हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि स्टूडेंट जो लाइफ होता है वो क्या है, ये सीड है, बीज है हमारी लाइफ का, तो इसे हमें इसका जो रोपड़ है ना बहुत संभाल के करना चाहिए। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ के जो है अपना जो है ये वाला जो लाइफ है बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग मजनूगिरी करके। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाइजली चूज करना है, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका भविष्य कैसा जाएगा। सो आज का जो पहला न्यूज़ है वो है, सेंटर जो है सैंक्शन कर रही है 670 जो है इलेक्ट्रिकल बसेज 241 चार्जिंग स्टेशन अंडर फेम स्कीम। फेम स्कीम है क्या? बेसिकली फेम स्कीम है इंडिया की तरफ से एक स्कीम जो है लॉन्च की गई थी 2019 में, 2019 में जो है 1 अप्रैल 2019 में लॉन्च की गई थी। और हमारे देश में जो जीवाश्म ईंधन है उसका एक अल्टरनेट बनाने की कोशिश की गई है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लॉन्च किया गया है, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स भी इनको बोलते हैं, इस सेगमेंट के तहत ही लॉन्च किया गया है। और जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 670 इलेक्ट्रिकल बसेस जो है लॉन्च की जा रही है। ये दूसरा चरण है, पहला चरण नहीं है। फेम इंडिया का जो है ये दूसरा चरण है, फेम स्कीम है बेसिकली नाम इसका, तो फेम इंडिया योजना भी इसको बोलते हैं, नाम याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब आप ऐसे समझिए, मैं आम शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिकल वाहनों का इस्तेमाल हो सके। तो जितना ज़्यादा यूज होगा, तो कहने का मतलब उतना ही मोबिलिटी का मतलब होता है कि बहना एक तरीके से। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है वो इस्तेमाल होगा, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी को बढ़ाने का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिकल वाहनों का यूज केस बढ़ाना, ग्रास रूट लेवल पे उसका यूज केस बढ़ाना। तो ये यूज केस बढ़ाने के दूसरे चरण में पहुँच गई है। इसमें महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, चंडीगढ़, ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो गए आपके मिला के। तो इसमें 670 इलेक्ट्रिकल बसें और मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात एवं पोर्ट ब्लेयर में 241 चार्जिंग स्टेशन की मंजूरी दी गई है। तो कई बार बच्चों को लगेगा कि भाई यार यहाँ पे बसें दी जा रही है, चार्जिंग स्टेशन जो है दूसरे स्टेट में दी जा रही है। एक्चुअली ये दूसरा चरण है, तो कुछ स्टेट को जो है चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत है, कुछ स्टेट को जो है इलेक्ट्रिकल बसों की ज़रूरत है। तो इसी चीज़ को जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और ओवरऑल बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। तो भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है, जीवाश्म ईंधन पर जो निर्भरता है उसको घटाने की कोशिश कर रही है। रीज़न क्या है कि ये वाहन को जो है क्या करते हैं, ये जब वाहन में इस्तेमाल किए जाते हैं तो ये आपके जो इनसे निकलने वाली जो चीज़ें हैं वो आपके इन्वायरमेंट को जो है पल्यूट करती है, और इन्वायरमेंट को पल्यूट करने से बचाने के लिए इसका दूसरा अल्टरनेटिव निकाला गया है। तो बेसिकली ये जो लॉन्च किया जाता है वो लॉन्च किया जाता है भारत सरकार के भारी उद्योग एवं लोग उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत भारी उद्योग विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी ड्यूटीज़ की तरफ से होता है। तो अप्रैल 2015 से
फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्कीम है, इसके तहत ही फेम इंडिया को जो है लॉन्च किया गया है, इसका संचालन किया गया है। तो ये कुछ डेटा है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये दूसरे फेम इंडिया दूसरे चरण में पहुंच गई है, जिसके लिए कुछ स्टेट में 670 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और 241 चार्जिंग स्टेशन जो है ये अभी अभी जो है बनाए जा रहे हैं। अब इस पे बेस्ड जो MCQ अभी हमने प्रिपेयर किया है, आपको सिर्फ वो MCQ ये थीम सुनने के बाद वो MCQ सिर्फ आपको याद होना चाहिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगली जो न्यूज़ है वो है बॉलीवुड एक्टर हमारे आमिर खान भाई साहब, इनका परफेक्शन, हर काम में परफेक्शन, नाम ही इनका परफेक्शनिस्ट रख दिया गया है। इन्हें जो है सीएट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सीएट बेसिकली क्या है, RPG एंटरप्राइजेज, और जिसका फुल फॉर्म है राम प्रसाद गोयनका ग्रुप की, इनकी एक टायर कंपनी है सीएट लिमिटेड। सीएट लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड होती है, मतलब थोड़ी छोटी होती है, जब लिमिटेड लग जाती है तो थोड़ी बड़ी हो जाती है। यहाँ पे शब्द कम हो गए लेकिन वैल्यू इसकी काफ़ी बड़ी होती है, लिमिटेड तब होती है जब पब्लिक पहुँच जाती है। तो ठीक है, तो सीएट लिमिटेड ने भारतीय अभिनेता आमिर खान को 2 वर्ष के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो एकीकृत विपणन का मतलब मार्केटिंग शब्द आपको बहुत अच्छे समझ में आती है। तो बेसिकली जो है सीएट के लिए जो है एक मार्केटिंग का अभियान जो है इकट्ठे रूप से मार्केटिंग का एक अभियान चलाया जाना है, उसी के लिए जो है क्या किया गया है, सिक्योर ड्राइव को ये बढ़ावा देने वाले हैं। सिक्योर ड्राइव मतलब जब भी आप ड्राइव करो तो थोड़ा सिक्योर रहो, और अब सीट अगर आपने लगा दिया है तो इनका कहने का मतलब है कि आप गाड़ी में सिक्योर हो, और अगर आपने सीट के टायर नहीं लगाए तो आप सिक्योर नहीं हो। तो कुल मिला जाके जब आपको आमिर खान जो है ऐड करते हुए मिलेंगे, जब कोई आपको सीट का ऐड देखने को मिलेगा आमिर खान के फेस के साथ, तो यही समझाने की कोशिश करेंगे कि सीट अगर आपने लगाया है तो आप रैकलेस ड्राइविंग भी करोगे तभी भी बच जाओगे। सो सीएट अपने आप में बेहतर ब्रांड है और अच्छा ब्रांड है। सो एक चीज़ और समझिएगा कि दुबई में जो है इस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग चल रहा है IPL 2020 में, और जो सीएट है सीएट रैंकिंग आती है, आपने अगर पुराने समय से क्रिकेट अगर आप देखते आ रहे हो तो रैंकिंग निकलती है, तो सीएट रैंकिंग करके निकलती है। तो ये रैंकिंग निकालने का सिस्टम 1995 से चल रहा है। तो इसी चीज़ को लेके इस IPL में आप बड़े पैमाने पर विज्ञापन देख सकते हो। तो सीएट के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान जो है बनाए गए हैं, 2 साल के लिए जो है बनाए गए हैं। ये आपके MCQ के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि किसे सीएट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो सिंपल सा क्वेश्चन आमिर खान, और डेटा इतना ही आपके एग्जाम में आएगा। अभी देखो खास करके एक बात हुई है लेबनान में, एक यार अभी घटना हुई है, घटने की जिक्र करेंगे, लेकिन लेबनान के प्रधानमंत्री की बात करें, लेबनान के प्रधानमंत्री पद पर एक नए उम्मीदवार जो है जिनका नाम है मुस्तफ़ा आदिब, ये कैबिनेट के थ्रू जो है नामित किए गए थे। अब इन्होंने क्या किया है कि ये इन्होंने अपना जो है इस्तीफा दे दिया है, इनकी कैबिनेट विफल रही है तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है प्रधानमंत्री पद से कि भाई ये नहीं है, ये दावेदारी अपनी छोड़ रहे हैं, अब उस पर नहीं बैठना चाहेंगे। तो जर्मनी के जो लेबनान के पूर्व राजदूत थे मुस्तफ़ा आदिब को 31 अगस्त 2020 को इस पद के लिए चुना गया था, लेकिन हसनदीप इसके पहले थे, हसनदीप ने जो है अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था। हुआ क्या था कि 4 अगस्त को आपने न्यूज़ में सुना होगा कि बेरूत बंदरगाह पे एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था जिसमें 200 लोग मारे गए थे और पता नहीं कितने लोग बेघर हो गए थे, और इसके बाद ही जो है हसनदीप जी ने अपने पद से इस्तीफा छोड़ दिया था। तो उसके बाद जो है 31 अगस्त 2020 को मुस्तफ़ा आबिद जो है ये क्या हुए थे, ये नामित किए गए थे। अब इनकी कैबिनेट फेल होने की वजह से ये अपनी कैबिनेट नहीं बना पाए, और कैबिनेट फेल हो जाने की वजह से इन्हें मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा है, और कोई जो है प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना नहीं चाहता। रीज़न यह था कि कैबिनेट बनाने में विफल रहे हैं। सो ये नाम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मुस्तफ़ा आदिब, ये इन्होंने जो है अपना नाम वापस लिया है। इसके बाद अगला है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था कि किसने अप्रूव किया है 570 मिलियन लोन्स जो है अर्बन प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में। तो ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया, अप्रूव किया है। सो एशियाई विकास बैंक ने घोषणा की है कि उसने राजस्थान और मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्र की परियोजनाएं हैं उसके लिए जो है ऋणों की मंजूरी दी है। बैंक ने राजस्थान के शहरों में पानी की आपूर्ति और स्वच्छता के बुनियादी ढांचे के लिए $300 मिलियन और मध्य प्रदेश शहरी सेवा सुधार परियोजना के लिए $270 मिलियन। तो राजस्थान के लिए 300 और आपके मध्य प्रदेश के लिए $270 मिलियन। तो नाइंसाफी हो गई मध्य प्रदेश के साथ, लेकिन बट जो भी मिला है रख लेना चाहिए। तो याद रखिएगा किसने, ADB ने $570 मिलियन जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए अप्रूव किया है। अब इसके बाद अगला जो न्यूज़ है वो है इंडिया एंड डेनमार्क साइंस MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन, IPR बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब ये मेरा इंटेलेक्ट है।
तो कहने का मतलब है, इंटरनेट की दुनिया में आजकल पायरेसी बहुत चलती है कि किसी टीचर का वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, उसकी सारी जो है वैल्यूज ले ली, उसके बाद फिर उस टीचर को छोड़ दिया, तुम किसी काम के नहीं हो। इसी तरीके से अलग अलग तरीके से जब दुनिया डिजिटल हो रही है, तो पहले से ये चीज़ चल रही है कि अगर किसी का इंटेलेक्ट है तो उसकी जो है एक प्रॉपर्टी होती है, हर आदमी को उसका एक राइट्स होता है। ये आपके IPC एक्ट और अदर अदर एक्ट्स में दिया हुआ है कि इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो भारत और डेनमार्क ने बौद्धिक संपदा, इसको हिंदी में बोलते हैं बौद्धिक संपदा, बुद्धि से रिलेटेड जो संपदा है हमारी, बौद्धिक संपदा भगवान बुद्ध मत याद कर लेना, हमारी बुद्धि से रिलेटेड जो हमारे पास संपदा है उसको प्रोडक्शन को लेके इंडिया ने और डेनमार्क के साथ क्या काम किया है, एक MOU साइन किया है, ठीक है, कि हम और आप जो है एक एग्रीमेंट में आ जाते हैं, हम दोनों लोग क्या करेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तो MOU का बेसिकली जो उद्देश्य है, अधिकारों को, व्यवसायों को, अनुसंधानों को तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच में IP की जो जागरूकता है, PR की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो जागरूकता है, उस पर सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुभव और ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से दोनों देशों के बीच IP सहयोग को बढ़ावा देना है, और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, विशेषज्ञों के आदान प्रदान, तकनीकी आदान प्रदान, आउटरीच गतिविधियों में सहयोग करना है। तो बेसिकली जब MOU साइन करते हैं तो अलग अलग पैरामीटर पे काम करते हैं। तो अभी जो इंडिया और डेनमार्क के बीच में MOU साइन हुआ है, उसका जो मेन रीज़न है वो IPR को प्रोटेक्ट करने को लेके है, IPR को लेके है कि लोगों में IPR का अवेयरनेस कैसे हो, भारत के नागरिकों में और डेनमार्क के नागरिकों में, और हम दोनों लोग देश मिलकर इस पर कैसे काम कर सकते हैं, IPR को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लोगों को IPR से रिलेटेड कैसे अवेयर कर सकते हैं। तो दोनों पक्ष पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, ये प्रोटेक्ट ऐसे होता है कि हम चीज़ों को पेटेंट कराते हैं, हम ट्रेडमार्क करा लेते हैं, हम ट्रेडमार्क करा लेते हैं तो दूसरा कोई ट्रेडमार्क नहीं डाल सकता है, ट्रेडमार्क डालेगा तो हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक संकेत, इन सबको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो इनका आवेदन जो होता है गवर्नमेंट के साथ, हमको इनका आवेदन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जब तक आपने इसको प्रोटेक्ट नहीं किया है भाई आपका कोई चुरा नहीं सकता है, आपने प्रोटेक्ट कर लिया तो चुराया जा सकता है, नहीं प्रोटेक्ट किया है तो नहीं चुराया जा सकता है। तो बेसिकली इन्होंने MOU में साइन किया कि ये अपने अपने नागरिकों को, या भारत डेनमार्क के साथ मिलकर क्या करेगा, नागरिकों को ये समझाने की कोशिश करेगा कि जो स्टार्टअप्स हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, जैसे आइडिया चोरी होता है, मान लो कि मेरे पास एक आइडिया है और आइडिया पे मैंने काम करना स्टार्ट किया और मेरे पास एक छोटा सा अमाउंट का फंड है और उस आइडिया के साथ मैंने आगे बढ़ा, थोड़ा और आगे बढ़ा, थोड़ा, ये होता है, ये मेरे साथ भी हो रहा है। जैसे हम एक आइडिया पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और किसी पैसे वाली पार्टी को ये पता चल गया कि भाई ये आइडिया बहुत सॉलिड है और उन्होंने देखा कि इस पर नंबर्स कन्वर्ट हो रहा है, तो उन्होंने आइडिया चुरा लिया क्योंकि मैंने उसको पेटेंट नहीं करा रखा। अगर मैं उसको पेटेंट करा के बैठूंगा तो वो आइडिया नहीं चुरा सकते, मैं ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता हूँ कि इस आइडिया पे आप काम नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने क्या काम किया, जो है इस आइडिया को चुराया, क्योंकि उनको पता है हमको नॉलेज ही नहीं है ट्रेडमार्क का, हमें पेटेंट का नॉलेज ही नहीं है, तो उन्होंने आइडिया पूरा चुराया और काम करना चालू किया। हमने डिजाइन बनाया, वो उन्होंने सेम डिजाइन इंप्लीमेंट किया और वो आगे निकल गए। तो इन सब चीज़ों को लेके डेनमार्क और इंडिया के जो लोग हैं एक दूसरे की मदद करेंगे, सहयोग करेंगे और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली MOU का जो मेन काम है इंडिया और डेनमार्क में को लेके, वो IPR को लेके ही है। सो अगला जो है, ये एक महिला है सुंदर सी जिनका नाम है राणा सफवी, इन्हें एक पुरस्कार मिला है, यामिन हजारिका पुरस्कार मिला है। ये जो पुरस्कार है, तो पुरस्कार ये मिला है इनको किस लिए, भारत की समकालिक संस्कृति में योगदान इन्होंने बहुत दिया है, इस काम के लिए इनको चुना गया है। इनकी कई सारी संस्कृति की, इतिहास की और स्मारकों पर इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हुई है। ये जो पुरस्कार है 2015 से दिया जाता है और बेसिकली महिला जो पेशकार होती हैं उनका एक ग्रुप जो है इस तरीके का पुरस्कार देता है और हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। यामिन हजारिका पूर्वोत्तर की पहली ऐसी महिला हैं जो पुलिस सेवा में पहले से ही शामिल थी। तो ये कुछ इनके विषय में डेटा है और कि इन्होंने जो है कौन सा पुरस्कार जीता है, यामिन हजारिका पुरस्कार जीता है। और ख़ास करके ये ध्यान रखिएगा कि जो भी महिला पेशेवर होती है हर साल जो है ये पुरस्कार आयोजित होता है और ये सारी की सारी जो है मिलकर देती है। तो इस बार राणा सफी को जो दिया गया है, इनके किस काम के लिए दिया गया है, ये स्टेटमेंट है, भारत की समकालीन संस्कृति में योगदान, इन्होंने भारत के समकालीन संस्कृति में एक योगदान दिया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने संस्कृति, इतिहास और स्मारकों पर कई सारी बेहतरीन किताबें लिखी है और इनके किताबों को लिखने का मतलब हो गया कि ये हमारी जो समकालीन संस्कृति में इसमें बहुत योगदान दे रही हैं, उसको उजागर किया, लोगों तक रीच कराया, पहुंचाया, लोगों में अवेयरनेस फैलाई है। इस काम के लिए इनको यामिन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सो इसके बाद दिन की अगली खबर की तरफ मूव करते हैं। 3 ईयर कॉम्प्लीशन ऑफ सौभाग्य योजना 25, सितंबर 2017 को ये शुरू की गई थी और 3 साल इसके जो है कम्प्लीट हो गए हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ये क्या था, सहज बिजली हर घर योजना, प्रधानमंत्री ये चाहते थे कि हर घर पे बिजली पहुंचाई जा सके। तो 2022 तक का टारगेट था कि सबके पास मकान होगा, बिजली होगा। तो ये प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना है और नाम इसका है सौभाग्य, ठीक है। तो योजना 25 सितंबर 2017 को शुरू की गई थी। योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रामीण घरों के साथ साथ शहरी लोगों को बिजली के कनेक्शन प्रदान करके सार्वजनिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना है। योजना विद्युत मंत्रालय के तहत चलाई जा रही है, बट ऑब्वियस बात है कि अगर विद्युत की बात है विद्युत मंत्रालय ही चलाएगा।
जो है ट्रांसपोर्ट मंत्रालय तो चलाएगा नहीं। तो ट्रांसफार्मर, तार और मीटर जैसी जो उपकरण होती है, इस पर सब्सिडी देने का काम करती है इस स्कीम के तहत। इस योजना के तहत जो डिस्कॉम होती है, जिनमें निजी क्षेत्र भी शामिल है, जो प्राइवेट सेक्टर के जो होती है, दिल्ली में आप अक्सर करके सुनते रहते हो बिजली 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 पानी पर बहुत बवाल चल रहा था वहाँ पर, तो जो प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनियां होती हैं उन पे भी सब्सिडी को लेके उनकी वित्तीय सहायता के लिए काम किया जाता है सौभाग्य के अंतर। तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड योजना संचालन के लिए नोडल एजेंसी है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट डेटा है और ये इसका 3 साल कंप्लीट हो गया है सौभाग्य जो योजना को। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इस बार सौभाग्य योजना का कौन सा जो है साल कंप्लीट हुआ है, तो 3रा साल कंप्लीट हुआ है। और इसके बाद दिन की अगली जो न्यूज़ है, अंत्योदय दिवस 2020 मनाया गया 25 सितंबर को जो है, इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड एज द फाउंडेशन डे ऑफ DDU GKY। 25 सितंबर 2020 को अंत्योदय दिवस के अवसर पर भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की स्थापना दिवस मनाया। DDU GKY ये शॉर्ट में बोलते हैं। इस योजना के माध्यम से अब तक 10.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और इसमें से 6.65 लाख जो है युवाओं को सफलतापूर्वक रोजगार से जोड़ा जा चुका है। अब यार ये हम बेरोजगारी चिल्ला रहे हैं, भाई साहब इतना देखो रोजगार तो है यार। 10.51 लाख युवाओं को ट्रेन किया गया जिसमें से 6.65 लाख युवाओं को जो है रोजगार से जोड़ दिया गया है। तो इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री ने एग्रीप्रेन्योरशिप इन्होंने डाल दिया, ये प्रोग्राम का जो है उद्घाटन किया है कि एग्रीकल्चर में जो लोग स्टार्टअप खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, बेहतर काम कर सकते हैं, तो इसके लिए उन्होंने एक जो है छोटे से प्रोग्राम का जो है उद्घाटन किया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU GKY के स्थापना दिवस को कौशल से कल बदलेंगे, ये कार्यक्रम का इस बार जो है रखा गया है, ये थीम था कौशल से कल बदलेंगे। हम बेहतर कौशल डालेंगे अपने अंदर, इससे हम अपना कल बदलेंगे, इसका बेसिक जो थीम है, जो लाइन का मतलब यही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों में से एक है। तो बेसिकली ये जो है ग्रामीण विकास के लिए किया जाता है, शहरी विकास के लिए नहीं है। ये जो आपका DDU GKY योजना है ये ग्रामीण विकास से रिलेटेड है, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो अगले न्यूज की तरफ चलेंगे। वर्ल्ड क्लास सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स टू बी स्टेब्लिश इन मध्य प्रदेश में डिसेबल लोगों के लिए जो है एक स्पोर्ट्स क्लब खोला गया, जो सबसे बेहतर और बहुत बढ़िया बात है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांग खेल केंद्र की आधारशिला रखी है। इसमें दिव्यांग जन खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधा बनाई गई, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं। इस परियोजना की अनुमानित जो लागत है 170.99 करोड़ रुपए है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए विकलांग खिलाड़ियों को मदद करेगा। प्रशिक्षण चयन, खेल शिक्षा, विवादों और अनुसंधान, चिकित्सा सहायता इस संस्थान का हिस्सा होंगे। तो बेसिकली एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स किस स्टेट में ओपन किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश में ओपन किया गया है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, अगली न्यूज़ से पहले मध्य प्रदेश के विषय में जानकारी थोड़ी सी। स्टेट ट्री, बनियान ट्री, बनियान रूपा बनियान ट्री, VIP बनियान ट्री नहीं, अच्छा मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, याद रह जाएगा। स्टेट ट्री जो है मध्य प्रदेश की वो है बनियान ट्री, कैपिटल भोपाल, CM शिवराज सिंह चौहान, आनंदी बेल पटेल जो है गवर्नर हो गई हैं, एडिशनल चार्ज ले रखा है इन्होंने। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 52 है, लोकसभा की जो सीट है 29, राज्यसभा 11, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी। बॉर्डर अभी डिस्कस करेंगे फिगर में, स्टेट फ्लावर पैरट ट्री है, और उसके अलावा अगर स्टेट बर्ड की बात करें इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर है। और नेक्स्ट मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो कान्हा नेशनल पार्क बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है, माधव नेशनल पार्क है, वान विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, फौजिल। तो कान्हा नेशनल पार्क जो है ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। मैं देख रहा हूँ इसमें कोई सिंगोरी, चुतकला और कोई खास जो है आपका नेशनल पार्क पूछा नहीं जाता है, कान्हा नेशनल पार्क आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मैं PDF ये दे दूंगा, आप इसे रीड कर लीजिएगा और रट्टा नहीं मारना होता पूरा। ये हमारा जो है मध्य प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, राजस्थान से सटा हुआ है, गुजरात से सटा हुआ है, महाराष्ट्र से सटा हुआ है, छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है और बस इतना ही सही सटा हुआ है। तो आपका जो 1, 2, 3, 4 और 5 स्टेट इसके जो है पड़ोसी स्टेट हैं। इसके बाद न्यूज़ फटाफट में चलेंगे, न्यूज़ फटाफट में बात करेंगे वॉल्टेरी बोटास की। इन्होंने रूस के सोची अल्टोडोम में आयोजित Formula 1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स, ध्यान रखिएगा रशियन ग्रैंड प्रिक्स, Formula 1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत लिया है। यह सीजन की उनकी दूसरी जीत है। मैक्स वर्स्टापेन जो रेडबुल नीदरलैंड के हैं दूसरे स्थान पर रहे हैं, जिनके बाद 6 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन, ये 6 बार चैंपियन रह गए मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन पेनाल्टी के कारण तीसरे स्थान पर रह गए। पेनाल्टी नहीं लगी होती तो 6 बार जीत चुके थे, इस बार भी जो है गुलाटी मरवा देते सबको। तो इस बार जो रशियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है
ये जीता है किसने? वाल्टेरी बोटास ने। रशियन ग्रैंड प्रिक्स कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है रूस के सोची ऑटोड्रोम में। ये नाम आप याद रख सकते हैं। फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप से रिलेटेड कुछ डेटा है, मैं आपको पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स और रशियन ग्रैंड प्रिक्स दोनों जीता है आपके वाल्टेरी बोटास ने। और इसके अलावा बाकी प्रिक्स के विषय में मैं डेटा दे दूंगा, अगर किसी को ज़बरदस्ती रटना है तो रट सकता है, मैं बोलूंगा अवॉइड करें। फिर न्यूज़ फटाफट में, 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे के फॉर्म में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष के 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। थीम आपको याद रखनी है, थीम क्या है? पर्यटन और ग्रामीण विकास। इस बार के वर्ल्ड टूरिज्म डे का जो है वो थीम है, विषय है पर्यटन और ग्रामीण विकास। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, थीम पूछी जाती है या फिर तारीख को कौन सा दिवस पड़ता है, ये दो चीज़ें पूछी जाती है। तो ये डेटा जो है पर्यटन और ग्रामीण विकास, 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे, ये आपको याद रखना होता है तीनों डेटा। इसके बाद न्यूज़ फटाफट में डॉक्टर इज्जत जज अहलूवालिया की बात करें, ये थोड़ी से जो है फेमस पर्सनालिटी है। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर इज्जत जज अहलूवालिया का निधन हो गया है। उन्होंने दिल्ली स्थित इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ICRIER के निदेशक और फिर अध्यक्ष के रूप में कुल 15 वर्षों तक सेवा की है और ICRIER को एक अग्रणी वैश्विक थिंक टैंक बनाया उन्होंने। उन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए 2009 में तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पहला कौन सा पुरस्कार है भाई, अगर ये तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है तो। आपको पता है हमारी सेनाओं को दिया जाता है। अब हम वन लाइनर की तरफ चलेंगे। अगला सेक्शन आपका फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को कुल 10 करोड़ रुपए की बजटी कर ले। अगला सेक्शन आपका वन लाइनर, फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को कुल कितने 10,000 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन के साथ जो है बेसिकली 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी किया गया था। सीएट लिमिटेड ने भारतीय अभिनेता आमिर खान को जो है 2 वर्ष के लिए अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। किस देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मुस्तफा आदिब ने नई कैबिनेट बनाने में अपनी विफलता के बाद इस्तीफे की घोषणा की है? तो लेबनान। किसके? लेबनान। किस बैंक ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रूप में मंजूरी दी है? एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। और हाल ही में भारत और किस देश ने बौद्धिक संपदा अधिकारों आईपीआर के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर साइन किया है? डेनमार्क ने साइन किया हुआ है। इसके बाद अगर अगले वन लाइनर की बात करें, किसे यामिन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राणा सफी को किया गया है। किसने रूस के सोची ऑटोड्रोम में आयोजित फार्मूला वन रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? वाल्टेरी बोटास ने जीता है। 25 सितंबर 2020 को किस केंद्रीय योजना ने 3 साल पूरे किए हैं? यहाँ इसका फुल फॉर्म दिया है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना ने किया है। सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स किस शहर में स्थापित किया गया है? ग्वालियर में। शहर की बात हो रही है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर इज्जत जज अहलूवालिया का निधन हुआ है। वह डैश के निदेशक और फिर अध्यक्ष के रूप में कुल 15 वर्षों तक सेवा की और एक अग्रणी वैश्विक थिंक टैंक बनी रही। तो ये नाम याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन ICRIER। सो अगला जो हमारा सेक्शन है वो हमारा MCQ का सेक्शन है, फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को कुल कितने करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन के साथ 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी किया है? 10,000 करोड़ की बात हो रही थी यहाँ पे, जिससे प्रभावी किया गया है। इसके बाद सीएट लिमिटेड ने भारतीय अभिनेता किस को जो है 2 वर्ष के लिए अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है? ये आपके जो है आमिर खान है। और इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है आपका जो है, अगले क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा यहाँ पे डेटा वापस जो है हमारी कंटेंट डेवलपमेंट टीम ने ले लिया है, इसको भी एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। आयुष्मान खुराना जो है ब्रांड एम्बेसडर आप बजाज एलियांज रह चुके हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रह चुके हैं, जो है यूनिसेफ सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चिल्ड्रंस राइट कैंपेन फॉर एवरी चाइल्ड भी रह गए हैं। ब्रांड एम्बेसडर फॉर द ऑल न्यू टोयोटा अर्बन क्रूजर, भाई ये तो हमको भूलेगा नहीं, रोज हम यूट्यूब पे ऐड देखते रहते हैं। अमिताभ बच्चन की बात करें तो फर्स्ट इंडियन सेलिब्रिटी वॉइस ऑन एलेक्सा है। अगला MCQ है, किस देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मुस्तफा आदिब ने नई कैबिनेट बनाने में अपनी विफलता के बाद इस्तीफे की घोषणा की है? सो बेसिकली यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये नाम देना चाहिए था देश का लेकिन पर्सनालिटी के नाम है, तो यहाँ पे लेबनान देश के हैं ये, लेबनान देश के जो है ये प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, कैबिनेट नहीं बना पाए और नाम है मुस्तफा आदिब।
और इसके बाद अगले जो है MCQ की तरफ चलें तो किस बैंक ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दी है। थोड़ा सा एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और IMF के विषय में भी जान लेते हैं और रिविजन हो जाएगा थोड़ा सा। अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो डेविड मलपाश हैं, हेडक्वार्टर की बात करें तो Washington DC में है, यूनाइटेड स्टेट में जो आता है। ये जुलाई 1944 को फाउंड हुआ था। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो प्रेसिडेंट जो है मासासुगु असाकावा, ये नाम है, थोड़ा अटपटा है लेकिन याद रखना पड़ेगा। हेडक्वार्टर बात करें तो मदर यंग, ये जगह का नाम है, कहाँ पे है, फिलीपींस में है। फाउंड कहाँ पे हुआ है, 19 दिसंबर 1966 को ये फाउंड किया गया है, ये तब बनाया गया है, तो फाउंडेड 19 दिसंबर 1996 को है। IMF की बात करें जो है तो हेडक्वार्टर इसका Washington DC में है, वर्ल्ड बैंक का भी यहीं पे US में। मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो क्रिस्टालिना है, और ये नाम भी इनका है क्रिस्टालिना, नाम पढ़ने के बाद जो इज्जत आती है वो थोड़ी सी हट जाती है लेकिन नाम ध्यान रखिएगा, क्रिस्टालिना नाम है। और जॉर्जीवा बोल सकते हो आप आगे। और चीफ इकोनॉमिस्ट की बात करें तो गीता गोपीनाथ हैं, और मेंबरशिप इसके जो हैं वो 189 जो है देश इसके मेंबर हैं। इसके बाद अगले MCQ की तरफ मूव करेंगे। हाल ही में भारत और किस देश ने बौद्धिक संपदा अधिकारों IPR के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर साइन किया है, तो डेनमार्क ने किया है भारत के साथ। अब इसके बाद जो है अगला जो हमारा MCQ है, किसे यामिन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो राणा सफी को जो है सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगर MCQ की अगली बात करें, किसने रूस के सोची ऑटोड्रोम में आयोजित Formula 1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है, तो ये जीती है वोल्टेरी बोटास ने। और इसके बाद जो है अगले MCQ की बात करें, 25 सितंबर 2020 को किस केंद्रीय योजना ने 3 साल पूरे किए, मैंने आपको बोला है कि यही आपका पूछा जाएगा, ये जो है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जो है ये स्कीम है। इसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन है, सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स किस शहर में स्थापित किया गया है, ग्वालियर जो है ये है आपका MP में, तो ग्वालियर में स्थापित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को मनाया जाता है, और 9 12 14 और 28 तारीख की और डेट ध्यान रख लीजिए। हिमालयन डे मनाया जाता है 9 सितंबर को, थीम जो हिमालयन एंड नेचर रहा है। 12 सितंबर की बात करें तो वर्ल्ड फर्स्ट डे 2020 मनाया गया है, सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन मनाया जाता है। 14 सितंबर की बात करें तो हिंदी दिवस मनाई जाती है। 28 सितंबर की बात करें तो वर्ल्ड रैबिज डे मनाई जाती है, जो थीम है 2020 की इंड रैबिज है, और कोलैबोरेट वैक्सीनेट। इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, थीम 2020 की एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, सेविंग लाइफ बिल्डिंग ट्रस्ट ब्रिंगिंग होप, ये इसका जो है विषय वस्तु और थीम है। 28 सितंबर को जो वर्ल्ड रैबिज डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन मनाया जाता है। इसके बाद अगले जो क्वेश्चन की है बात करते हैं, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर ईश्वर जज अहलूवालिया का निधन हुआ है, वह के निदेशक और फिर अध्यक्ष के रूप में कुल 15 वर्षों तक सेवा और अग्रणी वैश्विक थिंक टैंक के रूप में काम कर रही, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, ये आपका जो है सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। इसके बाद ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर, उम्मीद है करंट अफेयर आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा के थोड़ा सा दिल को खुश कीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा।